हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। बच्चों, आज हम बात करेंगे नीट बायोलॉजी को किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए कि अपने मैक्सिमम मार्क्स आएं। बच्चों, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि सबसे स्टिक तरीका, सबसे स्टिक मेथड क्या हो सकता है बायोलॉजी को रिवाइज करने का, जिससे हम नीट के अंदर मैक्सिमम नंबर ला सकें कम से कम एफर्ट में। बच्चों, सबसे पहले तो हमें अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि क्लास नोट्स में हालांकि एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स होते हैं, प्लस कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ एडिशनल डायग्राम भी होते हैं जो एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग, उसके कॉन्सेप्ट को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लास नोट्स रिवाइज करना चाहिए, और क्लास नोट्स रिवाइज करते करते हमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट होता है क्लास नोट्स में, ध्यान रहे सारा क्लास नोट्स अपने को एनसीईआरटी में नहीं लिखना, क्योंकि क्लास नोट्स में 95% तो आपको एनसीईआरटी की ही लाइनें मिलेंगी, बट जो एक्स्ट्रा पॉइंट होता है उसे हमें एनसीईआरटी में लिख लेना है रिवाइज करते करते। इट मीन्स पहले हमने क्लास नोट्स को रिवाइज किया, साथ में हमने एनसीईआरटी ओपन कर रखी है, तो एडिशनल पॉइंट को हमने एनसीईआरटी में लिख लिया। यानी जो फर्स्ट टाइम आप रिवाइज करते हैं, तो फर्स्ट टाइम आप क्लास नोट्स और एनसीईआरटी को एक साथ रिवाइज कीजिए। यानी क्लास नोट्स को रिवाइज करते करते एनसीईआरटी को साथ में रिवाइज कीजिए, और अपने एक्स्ट्रा पॉइंट को एनसीईआरटी में लिख लीजिए। ठीक है, अब आपकी जो एनसीईआरटी है वो कंपाइल्ड एनसीईआरटी हो गई है। इसका मतलब एनसीईआरटी में अब नोट्स की एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आ चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आपको रिविजन करना चाहिए कंपाइल्ड एनसीईआरटी से। यानी एवरी टाइम नाउ यू शुड रिवाइज फ्रॉम कंपाइल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, तो इतनी बार इसको रिवाइज करो कि इसके जो दिमाग में आपके पेजेज, इसके डायग्राम पूरे प्रिंट हो जाएं, ताकि एनसीईआरटी की लाइनों से जो भी स्टेटमेंट, जो भी क्वेश्चन आता है, हम आसानी से उसको सोल्व कर पाए। ठीक है, अब इसका एक और आसान तरीका है रिवाइज फ्रॉम सिंपल एनसीईआरटी बुक। एक बुक है सिंपल एनसीईआरटी, आप यहां से भी रिवाइज कर सकते हो। इससे रिवाइज करने का क्या बेनिफिट है कि आपको ये कंपाइलेशन नहीं करना पड़ेगा। इट मींस जैसे आपकी क्लासेस पूरी हुई, आप घर आके रिवाइज करना स्टार्ट किए, सीधा आपने अपनी सिंपल एनसीईआरटी खोली और रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि इस टाइप की जो बुक है सिंपल एनसीईआरटी, अब यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सिंपल एनसीईआरटी के अंदर, ये देखिए जो आपको ब्लैक लाइनें दिख रही हैं, ये एनसीईआरटी के ही पॉइंट हैं, लेकिन इनको टू द पॉइंट लिखा है, ना कि पैराग्राफ में। जहां जहां एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो हालांकि अपने क्लास नोट्स में लिखी होती है, उसको यहां साथ साथ में लिख दिया है। इसका मतलब ये सिंपल एनसीईआरटी क्या हो गई, ये एनसीईआरटी प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन, दोनों एक साथ। इसी प्रकार से जो एडिशनल इमेजेस हैं, जैसे ये एडिशनल इमेजेस हैं, उनको अलग से हाईलाइट किया है रेड कलर में। जो एनसीईआरटी के इमेज हैं उसके लिए यूज किया है ब्लैक लेबलिंग। इसका मतलब सिंपल एनसीईआरटी में एनसीईआरटी का 100% कंटेंट डाला गया हैडिंग सब हेडिंग के साथ और पॉइंट वाइज। ठीक है, यानी एक एक लाइन एनसीईआरटी के इसमें इंक्लूडेड है, प्लस उसके साथ कंपाइल कर दिया एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी क्लास नोट्स को। तो इट मीन्स हमें ये जो कंपाइलेशन वाला काम है ये नहीं करना पड़ेगा अगर हम सिंपल एनसीईआरटी से रिवाइज करेंगे। तो ये सिंपल एनसीईआरटी बुक का जो लिंक है आपको प्रोफाइल में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन ये दो तरीके हो सकते हैं रिवाइज करने के। या तो आप खुद से अपना कंपाइलेशन करें, अपनी कंपाइल्ड एनसीईआरटी बनाएं और बार बार उसको रिवाइज करें। अगर आप कंपाइलेशन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आपको एनसीईआरटी का 100% कंटेंट एडिशनल पॉइंट के साथ यानी क्लास नोट्स के साथ कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाए, वो है सिंपल एनसीईआरटी के अंदर। यहां पे जो एनसीईआरटी वाला पॉइंट है वो आपको ब्लैक कलर में दिख जाएगा, और जो एडिशनल पॉइंट्स होते हैं वो आपको रेड कलर में दिख जाएंगे। इट मीन्स जैसे क्लास कंप्लीट हुई, अगर हम बार बार सिंपल एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहें, तो हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट और एनसीईआरटी का कंटेंट दोनों एक साथ रिवाइज हो जाएगा। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।